हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, बस अब मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने अपना मंदिर में भी जोत जला दी है और हम मतलब नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये भी चले गए हैं, बच्चों को उठा रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में दही वाला सैंडविच। तो हमने भी सैंडविच ही खाया, बट हमने सिंपल खाया, जैसे कुकम्बर टमाटो लगा के। और ऐसे ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है सिंपल सोबर नाश्ता जो होता है ना, वो बढ़िया रहता है। कोई हैवी पता नहीं, अब हमारा तो परांठा खाने का मन ही नहीं करता ऐसे, मतलब ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल ही नहीं करता कभी दिन में। अब दाल पड़ी थी रात की, तो मैंने कहा चलो मैं इसका आटा गूंद लूँगी। तो फिर अब क्या है, आटा कैसे गूंदूँ? फिर बच्चे भी कह रहे थे नहीं हमने नहीं खाना, हमें दही वाला सैंडविच ही बना के दो। तो मैंने कहा चलो वो बना देती हूँ, कोई बात नहीं, कुछ जो भी खाना है उन्होंने। तो बस अब वही, आज वेदर भी बाहर बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैंने सुबह बारिश आ रही, सारे कपड़े भी अंदर डाले सूखने, मतलब बाहर तो फिर गीले हो जाते हैं। फिर मैंने अब फ़ैन चलाया हुआ, मैंने कहा वैसे ही गर्मियाँ भी सूख जाएंगे सारे। तो अब आगे लंच में देखो क्या बनता है। वैसे मशरूम भी लेके आए थे, मटर मशरूम बना दूंगी साथ में, दो तीन मतलब ना पनीर डाल देती हूँ क्यूब्स, क्योंकि मिशिका फिर मशरूम नहीं खाती है, तो फिर मैं दो तीन क्यूब्स पनीर के डाल देती हूँ, तो फिर उसका भी हो जाता है। उसका भी एग्ज़ाम है कल, तो उसको भी उठाया अब, बस वो भी अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके वो भी पढ़ने बैठेगी और मैं अपने और काम करूँगी। सो गाइज, मुझे आप वीडियो के एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, गाइज देखो, मैंने बस मंदिर में भी जोत वगैरह जला ली है और बस अब देखो, अब हम एक्चुअली हम लोगों ना इस बार अष्टमी नहीं पूजेंगे, हम नवमी पूजेंगे, क्योंकि मिशिका का ना एग्ज़ाम है। तो फिर मिशिका कहती थी मम्मा आप ना मतलब अष्टमी रहने देना, तो आप नवमी पे कंच के बिठा लेना। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले एग्ज़ाम है फिर तो कोई बात। वैसे हम हर साल अष्टमी ही मनाते हैं, मतलब कंच के बिठाते हैं, बट कोई बात नहीं, बच्चे का एग्ज़ाम भी पहले है यार। तो आप ये मंदिर के भी आप दर्शन कर लीजिए, साईं बाबा जी के भी, और बस अब मैं किचन में ही जा रही हूँ उसके बाद। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hi guys, good morning everyone. और आप सभी कैसे हैं? सो गाइज, कल के ब्लॉग को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस अब मैंने, आज मिशिका का एग्ज़ाम है तो वो तो बस चली गई है अंदर, उसका 12:30 एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अब उसको मैंने पहला ब्रेकफास्ट वगैरह सब करवा दिया, जल्दी उठ गई थी वो, और उसको ब्रेकफास्ट कर अंदर गई है, चाय भी दे दिया उसको और अपना उसको सैंडविच भी बना दिया है। अब उसका 4:30 तक एग्ज़ाम चलेगा, फिर उसके बाद वो मतलब फ्री होगी, फिर लंच करेगी। बीच में तो बिल्कुल ऐसे उठ ही नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन ही होता है एक्चुअल का एग्ज़ाम। तो अब वही, अब बेचारी इतने दिन से मेहनत कर रही थी, तो चलो बढ़िया है ना, बच्चे ऐसे ही अपना करते रहे आगे, प्रोग्रेस ठीक है ना। और आप सुनाइए, आप सभी कैसे हैं गाइस? सो गाइस, बस मैं आजकल थोड़ा मतलब वही है ना, ब्लॉग को भी मैं एक तो इसका थोड़ा एग्ज़ाम के चक्कर में भी, और थोड़ा बस मैंने वही कुछ काम नवरात्रे वगैरह भी। वैसे तो हम नवरात्रे हमने रखे ही नहीं है क्योंकि ना इसका एग्ज़ाम जो है ना अष्टमी वाले दिन भी है, कल भी है। तो फिर हम इस बार पहली बार ऐसा है कि हम परसों मतलब कंच के बिठाएंगे नवमी वाले दिन। तो फिर मैंने कहा बस वही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ चले गए कभी कहीं, तो बस ऐसी ब्लॉग पूरा ढंग से बन ही नहीं पाता। अब मैं बस, अब कल का मैंने ब्लॉग करा हुआ है, अब आज मैंने कहा अब इसको पूरा बनाती हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। आज मैंने ये वाला टॉप और ये मैं ना नीचे जो लोअर है वो लेके आई थी, क्या कहते हैं, मोती नगर से। मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा कूल है मतलब समर्स के हिसाब से। तो बाकी तो मैंने डेली अपना जैसे पहनती हूँ वही अपना पहना हुआ है। बस अब मैं अब किचन में ही जा रही थी, रोहन को उठाने जा रही थी, मैंने कहा पहले इसको भी उठा लूँ और फिर ब्रेकफास्ट हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो बस अब मैं उसको उठाने ही जा रही हूँ। सो गाइस, अब मैं बना रही हूँ लंच। लंच में मैं बना रही हूँ गोभी आलू, ये देखो मैंने बारीक बारीक जैसे गोभी कट कर ली है और आलू भी, और इधर मैंने अपने लिए बना लिया घिया क्योंकि मेरे को तो गोभी आलू नहीं खाने। और ये देखो सुबह से मंगवाया था गोभी के, दुकान का लड़का आता है उससे गोभी के ना फूल मंगवाए थे, वो दो इतने बड़े बड़े ले आया। एक ये मैंने अच्छे से वॉश करके गर्म पानी में डाल दी थी और एक तो फिर मैंने पूरी डाल दी,
तो कुछ पहले की भी पड़ी हुई थी। और ये मैंने फिर आधा घिया रख लिया है, कई बार जैसे कोई सांभर या कुछ बनाओ तो काम आ जाएगा, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर थ्रो कर दूंगी। बाकी अब यही बस लंच की तैयारी में तो यही सब कुछ है, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी गोभी बनाना। हाय गाइस, सो गाइस आज मैंने आपको वही दोपहर को बताया था कि हम लोगों ने लंच में क्या बनाया था, गोभी आलू और घिया, और अभी भी गोभी आलू की सब्जी बची हुई है। और मैंने अब ये सोचा है कि रोहन के मतलब सोचा गया है रोहन के लिए मैंने ना बाहर से दाल मखनी और उसके लिए लच्छा पराठा मंगवा दिया है। वो तो फिर उसको नो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो क्या सब्जी खाए उसका कुछ समझ नहीं आता। हम लोग तो खा लेंगे गोभी आलू या इसके पापा तो खा लेंगे, मैं तो दही चीनी वगैरह मेरे को भी अच्छी लगती है थोड़ी सी। और मिशिका अपना कह रही है मैंगो शेक पीना है रात को डिनर में, तो हम सबका तो ये डिफरेंट डिनर हो जाएगा और लाइट लाइट सा वही अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, कल हमने एक्चुअली मैंने आपको बताया था मिशिका का एग्ज़ाम है, तो हम परसों कंच के बैठाएंगे, कल हमने रखना है नवरात्रा। तो फिर उसके वापस सारे मतलब नवरात्रे की चीज़ें ले आए हैं, चिप्स वगैरह ले आए हैं। और मिशिका कहती है मेरे को सुबह तो बना देना आप ब्रेकफास्ट में उसकी वो साबुदाने की खिचड़ी, तो मैंने कहा चलते को वो बना दूंगी। और दोपहर को हमने दोपहर को बगैर थी कुट्टू के आटे का और सिंघाड़े के आटे का ना, ये कई लोग जैसे रोटी बनाते हैं, मैं बनाती हूँ चीला। जैसे मेरी मदर इन लॉ ना चीला बनाती थी, उसमें यार मूली भूल गई मेरे को मूली चाहिए थी, चलो अब यार ध्यान ही नहीं रहा, मूली तो मेरे दिमाग से उतर गई। मूली कस करके ना उसमें चीले के अंदर स्टफ करके और बस ऐसे जैसे बेसन का चीला बनाते हैं ना ऐसे उसका बैटर घोल लेते हैं, और फिर उसको क्या कहते हैं तवे पे डाल देते हैं। मैं जैसे कल बनाऊंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और वो भी ना हल्का हल्का लगता है, हमें शुरू से ही हैबिट है, हम वैसे ही बनाते हैं। तो मैं फिर बस वही अब ले आए हैं सारे चिप्स वगैरह, तो टमाटर तो मैंने मंगवाए थे वो ले आए हैं, मूली याद ही नहीं रही मेरे को। चलो कोई बात नहीं, कल देखूंगी, अभी रात को वॉक करने जाएंगे तब देख लूंगी। तो बस अब मैं डिनर का तो मैं बता ही रही हूँ आपको, हमारा हुआ हुआ है, रोटी वगैरह सब अपना मतलब सेट है फिर सब्जी पड़ी है, दाल मंगवा ली, बस अब कुछ ज़्यादा करना नहीं।